पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनेता अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे जाके लोगों से वोटों की अपील करनी शुरू कर दी है, यानी कि चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर माह में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चलिए इसी के मद्देनज़र चौधरी रणजीत सिंह, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, काफ़ी चर्चा में हैं आजकल अपने एक बयान को लेकर के, एक बड़ा गठबंधन करने की फिराक में है। चलिए उनसे कुछ बातें साझा करते हैं कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी हम बातचीत करेंगे उनसे कि किस तरह से लोगों का रुझान उनके प्रति देखने को मिल रहा है, और जो एक महागठबंधन की चर्चा चल रही है उस बारे में चौधरी रणजीत सिंह जी क्या कहते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आपने बयान दिया था कालांवाले में महागठबंधन को लेकर के, और उस गठबंधन वाले बयान पे दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया भी दी है कि वो इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, तो सर कैसे ये संभव हो पाए? देखिए, हर आदमी का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। आज के दिन अगर पब्लिक ओपिनियन में पूछें, चुनाव में सब पार्टी बुरी तरह हारी है और लोगों ने मोदी जी को एक तरफ का बहुमत दिया है, उसमें कोई लोगों ने दीवार पे अपने फैसले लिख दिए। अब इसके बाद 99% पूरे हरियाणा में पूछ लो सब में, क्योंकि यहाँ इलेक्शन सामने है, सब लोगों का ये कहना है कि अगला चुनाव जीतना है तो सब इकट्ठे हो जाओ। मैंने एक जो पब्लिक ओपिनियन था उसका मैंने चर्चा करा कि अगर महागठबंधन, मैंने ये भी कहा कि अकेले अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेसिडेंट बन के भी चुनाव में जाते हैं तो सरकार नहीं बनेगी। देखिए, जब तक चेहरा नहीं देखेंगे, बीजेपी में जो वोट मिला वो मोदी जी के चेहरे को मिला, कांग्रेस में आपको एक ठीक चेहरा देना पड़ेगा। कहीं भी लोग पूछ लो, बाकी के लोग बोल नहीं रहे कमजोरी है क्या कारण है, मैंने खुली बात कही कि ये होना चाहिए। आप इनेलो और जेजेपी के वर्करों से पूछ लो, मायावती के वर्करों से, वो भी ये कहेंगे कि ये गठबंधन हो जाए। मुझे हज़ारों रिएक्शन आए पूरे हरियाणा के कि जी ये गठबंधन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैंने एक लोगों की जो एक राय थी वो मैंने सब पब्लिक में कही, जो 2000 वर्कर था उन्हें मैंने चर्चा करा, और इसके बाद अब उन्होंने करा है ये, इस बात से वो डिनाई कर गए हैं कि मेरे पास निशांत सिंह आए 2 घंटा मेरे पास बैठे, बच्चे क्या कहते हैं मैं उसको उस बात में वाद विवाद में नहीं जाना चाह रहा। और जब ओम प्रकाश जी के फार्म पे था तो उस वक़्त अशोक अरोड़ा उनके पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, अभी तक वो ही थे, और वो भी थे आपका रामपाल माजरा, दोनों सीनियर आदमी है, वो भी कहने के आपकी बात ठीक है इसे आगे चलो। अब वो बातें जो हुई मैंने कह दी, मैं उससे अगर डिनाई करें तो तीनों आदमी सामने आकर डिनाई करते हैं। अब उसे मैं कह दूँ नहीं ये मुझे पसंद, कांग्रेस में 50 अशोक तंवर कुछ कहते हैं, हुड्डा साहब कुछ कहते हैं, तो ये तो व्यक्तिगत अपना अपना कहना है। मैं नहीं मानता कि अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कांग्रेस की भी हालत ख़राब होगी, इनेलो की भी खराब होगी, जेजेपी की भी खराब होगी, मायावती की भी खराब होगी। अभी सर आपने एक बयान और भी आपने दिया था उस दिन कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अगर कांग्रेस लीड करती है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो फिलहाल जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो क्या कमज़ोर है सर? देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष करने में किसी की उल्टी सीधी नहीं कह रहा, पर मैं हरियाणा में जो लोगों का मूड है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी जाती है, मैंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर दूसरे भी उनके साथ सभी को बड़ा दिल करके विश्वास में लेके चलते हैं तो सरकार निश्चित रूप से बनेगी, अगर ये नहीं हुआ तो सरकार नहीं बनेगी, मैं भी कह रहा हूँ। सर एक अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अभी हमें 2 रूप दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई पे जो छापामारी हुई थी उस मामले में जो तमाम संगठन हैं कांग्रेस के, जितने भी घटक बने हुए हैं, वो एक दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें तो जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग हैं, अशोक तंवर अलग हैं, अलग कांग्रेस है, और अगर कुलदीप बिश्नोई वाले मामले पर बात करें तो वहाँ पर एक दिखाई दे रहे हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। देखिए, कुछ पार्टी किसी बेस पे खड़ी होती है। बीजेपी में जब ओथ हुई तो उसके बाद अमित शाह जी को होम मिनिस्टर बना दिया, उन्हें होम मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने सेकंड डे वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है उसे चलाना है, वो उधर होम मिनिस्टर का काम करें तो पार्टी खाली पद नहीं रहता। कांग्रेस में 2 साल से हर सीनियर आदमी बोले जा रहे हैं कि पार्टी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, आप सब जगह बुरी तरह हारे हैं, कांग्रेस का कोई मीटिंग लेने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, नेशनल सीन पे भी पार्टी प्रेसिडेंट का जल्द फैसला होना चाहिए, चाहे
नेहरू परिवार इसको संभाले, गांधी परिवार इसको संभाले या किसी और को बनाना है तो भी मीटिंग ख़त्म होने से पहले फैसला करके बाहर जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस में आम जन की ये राय है। और उसके बाद हरियाणा में वो उनकी मीटिंग में नहीं जा रहा है, ये नहीं इनकी जा रही है, सब हम देख रहे हैं। ये जो है ये अच्छे संकेत नहीं है। इसमें किसको बनाए नहीं बनाए, तंवर साहब हो गए 5-6 साल हो गए, इन्हें 6 साल में लोकसभा के चुनाव हुए, पिछले लोकसभा के हुए, अब लोकसभा के हुए और विधानसभा के हुए। कभी भी ऐसी बुरी स्थिति में कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस नंबर 2 भी नहीं विधानसभा के चुनाव में नंबर 3 रही है। और सब जगह जब 4-4 लाख से कैंडिडेट हारे हैं 10 की 10 लोकसभा में, सब प्रेजिडेंटों ने स्टेट वालों ने रिजाइन करा, तो मॉरली एथिकली करना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी रिजाइन कर दिया तो प्रदेश अध्यक्ष करना चाहिए कोई भी हो, हर आदमी को करना चाहिए। पंजाब के प्रेसिडेंट ने कर दिया, दूसरे प्रेसिडेंटों ने कराया। सर अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक घोषणा की है, अल्टीमेटम दिया है, एक समय सीमा निर्धारित की है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बदलता है तो वो कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। अगर सर सपोज कीजिए कि वो अगर नई पार्टी की घोषणा करते हैं तो आपका क्या आगे का कदम रहेगा? देखिए 4 तारीख को मीटिंग में वो क्या करते हैं, वहाँ क्या फैसला लेंगे, उसके बाद सब वर्कर्स की सलाह ली जाएगी, उनके 14 MLA उनसे करेंगे, दूसरे जो सीनियर आदमी उन्हें बुलाया गया सबकी सलाह से ही होगा। तो अभी मैं नहीं कह सकता कि निर्णय क्या होगा, ये तो आगे के एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, इनका ऑप्टिमिस्टिक सवाल है, इनका कोई मैं अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर सकता जब तक कोई निर्णय सामने नहीं आ जाए। सर एक आखिरी सवाल करूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त राहुल गांधी जी, उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो कैंडिडेट 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस की तरफ से तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे? देखिए इन्हीं के फैसले थे, उसके बाद जब राजस्थान में चुनाव हुए हमारे दोस्त हैं BD कल्ला, उन्हें वो 3 बार हार गए थे, उन्हें अभी टिकट मिला है, इस सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब उनके फैसले तो यही कंट्राडिक्ट हो गए ना, ये तो स्टेट की अपनी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। और अगर रंजीत सिंह का टिकट नहीं करते तो फिर सिरसा फतेहाबाद में कोई सीट कांग्रेस की है ही नहीं, ऐसे हालात हो जाएंगे। रानिया हलके की मैं बात करूं तो रानिया हलका में आपका अच्छा खासा प्रभाव है, चौधरी रंजीत सिंह का नाम चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस करके भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांडा बंधुओं का भी अच्छा खासा प्रभाव है, इनेलो का भी अच्छा खासा प्रभाव है, तो आपकी क्या स्थिति हम मान के चलें? देखिए रानिया में जो हुआ है, जो वोट का आकलन आया है उसमें इनेलो के वोट भी उन्हें चले गए, पिछली बार ज्वाइंट इनेलो के 43,000 वोट थे, अब उन्हें दोनों को 19,500 मिले हैं, तो 24,000 वोट तो उनका ही ट्रांसफ़र हो गया। कांडा के जो 37-38,000 वोट थे वो टोटल BJP को चला गया, वो सारे वोट कुछ हमारे वोट भी थे जो कह रहे थे रणजीत सिंह के चुनाव में देंगे पर ये तो मोदी को देंगे, ये पूरे देश में था, इस करके सब जगह ये रिजल्ट आए। तो मैं ये समझता हूँ वो सारे वोट वापस मुड़ेंगे, कांडा का मैं नहीं समझता कोई प्रभाव है, 4.5 साल कहीं आया नहीं, अब आके कहीं भागवत कर रहा है कुछ कर रहा है, इन बातों से कोई राजनीतिक लोगों का जो उनका उनका जो उन्हें राजनीतिक खुराक चाहिए वो इन बातों से नहीं मिलती है। धार्मिक प्रोग्राम है, उसने कुटिया में कर दिया, गाँव में कर लेगा, पैसा कमा रखा है खर्च करके चला जाएगा। तो सर कांग्रेस का क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए डिपेंड करेगा कि 4-18 को क्या निर्णय होते हैं, क्योंकि हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कांग्रेस में उनका अपना एक रेलेवेंस है, पब्लिक उनके साथ है। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनका टिकट कटता है तो सिरसा और फतेहाबाद में कांग्रेस की स्थिति और भी बुरी होने वाली है। और यहाँ पे नेतृत्व को लेकर के इन्होंने कहा कि कांग्रेस अशोक तंवर के नेतृत्व में बहुत पीछे गई है, 3रे नंबर पर रही है, हालांकि कांग्रेस को 1 नंबर पर आना चाहिए था, तो ऐसे में अपनी जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए अशोक तंवर को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरे प्रदेश अध्यक्षों ने जो प्रदेश के थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अशोक तंवर को भी देना चाहिए। और आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के विषय में चौधरी साहब का कहना है कि आने वाला समय बताएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस फैसले की ओर जाते हैं, क्या
फैसला करते हैं उस पर डिपेंड करता है। खैर बने रहिएगा लगातार के हरियाणा के साथ, आने वाला समय भी रहेगा, हम भी रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे पल पल के अपडेट। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो रोजाना 8 बजे देखना मत भूलिएगा डेली हलचल। कैमरा सहयोगी सुनील जाखड़ के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।